कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 ही अच्छे होंगे। यहाँ मैं लेके आई हूँ डेली बेसिस वाली टैरो कार्ड रीडिंग। टाइमलाइन है, जब भी आप देखेंगे तब से अप्लाई होगी। जो लोग रेगुलर हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है। आज मैं आप लोगों के लिए गॉड एंजल्स का मैसेज लेकर आई हूँ। ये आपके पूर्वज का मैसेज भी हो सकता है। आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है आप बहुत बेटर जानते हैं, बिकॉज ये ओवरऑल रीडिंग्स होती है और ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। तो इसलिए मैं सजेशन ले रही हूँ, जिनके संग रेजोनेट करे वो उसे लीजिएगा, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग अगर आपको गाइडेंस मिल सके तो हमारी वीडियो बनाने का फायदा होता है। ओके, चलिए निकालते हैं आप लोगों के लिए कार्ड। थ्री पायर्स यहाँ दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप रेगुलर देखते हैं उन्हें पता ही है, आप कोई भी एक पायर सेलेक्ट कर सकते हैं। दो पायर भी ले सकते हैं और तीन पायर भी ले सकते हैं। टाइम स्पेंड में टाइम नहीं दे रही हूँ मैं, शॉर्ट वीडियो है। फर्स्ट पायर, थर्ड, सेकेंड। चलिए बेस्ट ऑफ लक ओवरऑल। और अब हम चलते हैं वीडियोस की, जिन्होंने हमारी फर्स्ट इमेज को सिलेक्ट किया है उनके अकॉर्डिंग सजेशन। यूनिवर्स का, गॉड का, एंजल्स का और पूर्वज का। देखिए, बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहें। जितना ज़्यादा खराब परिस्थिति से आप लड़ेंगे उतने जीवन में और आगे बढ़ेंगे। आप जितने ज़्यादा बुरी परिस्थितियों से लड़ते जाएंगे, देखिए लाइफ में आप उतने ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। ये सलाह आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, इससे ज़्यादा खूबसूरत मैसेज हो ही नहीं सकता। आप अपने स्ट्रगल को एडवेंचर के तौर पर रखिए, एक्सपीरियंस गेन होगा उससे। इस चीज़ को लेकर आगे बढ़िए, ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। और ये इतना खूबसूरत मैसेज है कि मुझे इसको पढ़कर एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, बिकॉज ऑल टाइम मैं पर्सनली भी यही सजेशन देती हूँ लोगों को। जब ये कार्ड नहीं आता तब भी आपका तो ये कार्ड निकल आया है। तो डेफिनेटली बी पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और सकारात्मक रहिए। जितना ख़राब परिस्थिति आप होंगे उसको एडवेंचर के कि ये प्रॉब्लम्स आई है यानी मैं और इम्प्रूव होऊंगा, मैं और इम्प्रूव होंगी, ठीक है? और ये एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, एक्सपीरियंस के बेस पे आपको जो बेटर चीज़ें मिलती हैं अपनी लाइफ में ना प्रोफेशनल फील्ड, वही चीज़ पर्सनल फील्ड में भी होती है, ठीक है? दुनिया की परवाह मत कीजिए, जस्ट बी टिप पॉजिटिव। ये सजेशन आपको आज के कार्ड के थ्रू है। सेकंड पायल को देख लेते हैं। आप आगे के सेकंड थर्ड पायल भी देख सकते हैं और थर्ड वाले भी सेकंड फर्स्ट पायल देख सकते हैं, थर्ड सेकंड वाले भी थर्ड और फर्स्ट पायल देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम है, आप और ज़्यादा गाइडेंस चाह रहे हो तो तीनों पायल देख सकते हैं। और आगे के नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए फर्स्ट पायल, ताकि आगे भी आपको और डीप गाइडेंस मिल सके। शॉर्ट वीडियो की वजह से मैं बहुत बना रही हूँ कम, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। डिटेल के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल। ओके, सेकंड पाइल, बेस्ट ऑफ लक। देखिए सेल्फ पैम्पर, ये देखिए आपकी कितनी कितनी खूबसूरत चीज़ है ना। मुझे टैरो कार्ड्स की यही चीज़ें पसंद आती हैं, मुझे रीडिंग्स की यूनिवर्सल एनर्जी जी। जब हम कार्ड के थ्रू और टैरो कार्ड्स से जब कलेक्ट करते हैं तो वही सेम आती है। आप देखिए फर्स्ट पाइल में बी पॉजिटिव आया और वही बी पॉजिटिव की इमेज है। सन के सामने इंसान अपने आप को तपा रहा है और वही चीज़ में लिखी है कि परिस्थितियां जीवन में उतने आगे बढ़ोगे। मतलब एक सन के सामने, एक सूरज के सामने इंसान के खड़े होने की औकात हो गई है। तो यानी कि वो तप रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है, सोना तप रहा है, डायमंड बन रहा है, कोयला से डायमंड निकल रहा है। यहाँ वही चीज़ आई है, सेल्फ लव। एक इंसान अपने अंदर आत्मा में ध्यान मेडिटेशन लगा रहा है। यहाँ पर यही चीज़ कही जा रही है कि सेल्फ पैम्पर करिए खुद को, खुद से प्यार कीजिए। खुद से प्यार नहीं कर सकते, खुद के संग खुश नहीं रह सकते, दुनिया में किसी के संग क्या खुश रह पाएंगे, दुनिया को कैसे खुश रख पाएंगे। सब छोड़ दो, खुद के संग प्यार करो। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाइए, मतलब जस्ट लाइक ऐसे बन जाओ जैसे ये बना हुआ है। आगे कुछ लोगों को छोड़ के कोई भी आपका मनोबल बढ़ाने का काम तो करेगा ही नहीं, सभी दुनिया में मनोबल गिराने का काम करते हैं। तो देखिए आपको करना यही है, आपको सेल्फ पैम्पर करना है, इग्नोर करनी है एवरीथिंग चीज़ों को, और आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। ओके, ये थ्री सजेशन आपके लिए निकल के आए थे। सेल्फ पैम्परिंग, आगे बढ़ने के लिए इग्नोर एवरीवन। ओके, आपका सजेशन ये है। टाइमलेस है, जब देखेंगे तब अप्लाई होगा। ओवरऑल तीनों भी देख सकते हैं, लंबी वीडियो नहीं हो इसलिए थर्ड पाइल पे चलते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आगे के नोटिफिकेशन के लिए। थर्ड पाइल, बेस्ट ऑफ लक।
देखिए, जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते, या तो जाने दो या फिर जान लगा दो। गॉड, क्या मैसेज निकला है। बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए क्या है कि ये इमेज भी जो ऐसी है कि ईश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं, पर यहाँ पर बात ये हो रही है जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते ना। आप तो काम करो ना, आप सिर्फ हाथ जोड़ोगे वो चीज़ नहीं चलेगी, आप कर्मा करो, कर्मा करो और जान लगा दो या तो जाने दो। मर जाओगे ना क्या होगे, जिंदा हो तो यानी काम करना है, यानी कर्मा करना है। जब तक आप इस पृथ्वी पर हो मर नहीं जाते हो, यानी ईश्वर आप की सोल को तब तक अपने पास नहीं लेंगे, आपको मुक्ति इस पृथ्वी से तब तक नहीं देंगे जब तक आप अपना कर्म कंप्लीट नहीं कर लेते। कर्म कंप्लीट कब होगा? ऐसे थोड़ी होगा सब बस बैठ जाओ, सब चीज़ों से कट जाओ। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। कुछ आपकी सोल के लिए डिसाइड करके पृथ्वी पर भेजा गया है, तो जान लगा दो या जाने दो, क्या होगा, मर जाओगे ना। मरने से क्यों डरते हो, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की बात की गई है। मैं दिखने में ऐसा हूँ, मैं दिखने में ऐसी हूँ, मैं इतना कम एजुकेटेड हूँ, मैं इतनी ज़्यादा एजुकेटेड हूँ फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है, या मैं इतना ज़्यादा एजुकेटेड हूँ फिर भी वो आदमी मेरे से ज़्यादा चीज़ें कर रहा है। ऐसी चीज़ें कंपेरिजन करना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ओके, महात्मा गांधी बैरिस्टर थे पर उसके बावजूद वो एक धोती कुर्ता पहन के घूमते थे, ठीक है। आपके सिद्धार्थ जो बौद्ध बने बाद में, वो राजा होके जंगलों में रहे हैं। तो ये सब छोड़ दीजिए, कंपैरिजन छोड़ दीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए, बहाने बनाना छोड़ दीजिए, इरादे मजबूत रखिए। ये सलाह आपको दी जाती है थर्ड फाइल। आप तीनों सलाह को भी ले सकते हैं मेरे व्यूअर, जैसे जिसको पसंद आए ले सकते हैं। कुछ भी चीज़ अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ बनाने के लिए आप लोगों का, और अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कैसे लगे आप लोगों को। बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो के संग फिर आऊँगी, नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।